ऐसा सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा अपने साथ। तो हे गाइस, आप लोग कैसे हो गाइस? आज का दिन यार काफ़ी बेस्ट हो रखा है यार, बिल्कुल धूप नहीं है गाइस। अपन चैलेंज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं काइट फ्लाइंग गाइस, काफ़ी दिनों के बाद हम काइट फ्लाइंग करने वाले हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, अपन लोग आ चुके हैं पतंग काइट फ्लाइंग के लिए इधर। अभी एक बार गाइस अपनी पतंग फाइनली काफी जल्दी उड़ चुकी है। अब देखिए आगे कोई पेचे के लिए मिलता है तो अपने। अब है ढील की बाजी, क्योंकि ढील नहीं देखी तो पतंग ऊपर कैसे जाएगी। ये देखिए, ओ पतंग अपनी स्पीड पकड़ ले ढील की, ये ऊपर जाएगी। अब वो कहाँ जा रही है? ऊपर 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 ऊपर। वेरी गुड, पतंग को हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। पतंग है सीधा हमारे कंट्रोल में। वो हमारे कंट्रोल में आ जा। तो भाई किसके कंट्रोल में जा रही है ये? गाइस पतंग अपने कंट्रोल में ही है। पतंग तो गाइस अपने कंट्रोल में ही है एकदम। आपको ये जो पतंग दिख रही है गाइस अपनी पतंग, फिर ये किसी और के कंट्रोल में ना जाए, कुछ करना पड़ेगा। जो हम करेंगे वो कुछ भी करेंगे। अब इसको भेज गाइस थोड़ा एकदम छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा, है ना। चलिए अब ढील देते हैं। तो वैसे अपने कंट्रोल में ही है, एकदम सुन पतंग है गाइस, एकदम सुन, इसको कहते हैं ना सुन पतंग। गाइस अगर आपको भी पतंग के ऐसे ही करने बांधना सीखना, तो गाइस इससे पहले वाला ब्लॉग, मेरा ब्लॉग जल्दी देख गाइस। तो उसमें काफ़ी कम लोगों ने वॉच किया है गाइस, सच में बहुत काफ़ी यार, 5-6 लोगों ने ही देखा। इतना कैसे हुआ यार? मतलब 5-6 तो नहीं थे, 10-12 लोगों ने ही देखा यार इस वाले ब्लॉग। काफ़ी बुरा लगा। ऐसा क्यों गाइस? तब आप मेरे पुराने ब्लॉग्स को भी देखे यार, कल ही डाला है वो मेरे चैलेंज का। तो गाइस अगर आपको भी ऐसे एकदम खड़े करने बांधना सीखना, तो गाइस मेरे पुराने वाले ब्लॉग को जल्दी से जाके वॉच करिए। और अपनी पतंग एकदम ऊपर जाएगी, ये देखिए। पेड़ के पास तो नहीं ले जान देंगे। वेरी गुड गाइस, मतलब पतंग तो एकदम अपनी टॉप की है। आपको आई होप आप लोगों को पतंग ये दिख रही होगी। चलिए तो अब देखते कहीं दूर दूर पे कोई पतंग उड़ रही है तो उसके साथ पेचे करेंगे। मुझे लग रहा है कोई दिख रही है क्या यार? चलो देखते हैं। तो गाइस अपनी पतंग तो एकदम उड़ चुकी है बढ़िया तरीके से। वो देखिए मेरे पीछे पतंग उड़ रही है, आपको दिख रही है? वही गाइस वही, कहाँ है वो रही? दिखी नहीं? दिखी वो तरी गाइस, इसने छोटी सी दिख रही है, यही है अपनी पतंग। तो गाइस अगर आप लोगों को भी पतंग उड़ाना सीखना, तो गाइस मेरे 15 डेज का चैलेंज है। अगर आप इसे कंप्लीट देखते हो तो गाइस आप लोग भी पतंग उड़ाना सीख जाओगे। तो गाइस मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ पतंग उड़ाने की। चलिए जब तक एक मेरा फ्रेंड नहीं आ रहा है तब तक आपको टिप्स देता हूँ। गाइस मेरी पतंग पर थोड़ा ध्यान जा रहा है। चलिए पतंग को उड़ाते उड़ाते आपको टिप्स देता हूँ। चलिए आपको एक जगह पर बैठा देता हूँ। तो हे गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे साथ यार। मतलब हम तो एक काम कर रहे थे, पतंग को इजीली उड़ा रहे थे, अपनी पतंग फंस गई। मैं इसको निकालूँ ऐसे करके, देखते हैं पतंग अब कैसे निकलेगी। आपके आप व्लॉग में बने रहिए, पतंग को अब निकालने का कुछ आइडिया लगा रहे हैं। काफ़ी दूर वाले पेड़ पर अटकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रमान जा उस वाले पेड़ पर जाके अटके, सीधा आपको दिख रहा है? देखो ओह अगर वो कोई खींच रहा है, हमारी पतंग कौन खींच रहा है? कौन है? गाइस अब पतंग निकालने के लिए वापस कुछ आइडिया है जो हम लगाते हैं। गई भैंस पानी में, गई पतंग। चलिए अभी क्या काम करना है जल्दी से, यही काम होता है गाइस। जब पतंग का मांजा टूट जाए कहीं पे फंस जाए, जल्दी से जल्दी जल्दी मांजा लपेटो लपेटो लपेटो, यही काम है गाइस। अब प्लास्टिक मांजा गाइस मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पुराने साल का प्लास्टिक मांजा था। आई होप आप लोग भी प्लास्टिक मांजा यूज़ करते होंगे।
नहीं करते तो बहुत बढ़िया गाइस, क्योंकि प्लास्टिक मांजा नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अपने पास तो पुराना पड़ता, अपन तो प्लास्टिक मांजा ही यूज़ करने वाला है ना गाइस। 15 अगस्त पे तो मैं भी प्लास्टिक मांजा कहीं से जुगाड़ करूँ गाइस। पतंग का कॉम्पिटिशन इतना होता है उस टाइम पर गाइस, इंडियन मांजा तो छूटते कट जाता है, तो मेरे को प्लास्टिक मांजा ही परचेज करना पड़ेगा, जो कि गाइस काफ़ी महंगा आता है। लेके आएंगे उसका पूरा बंडल लेके आने वाले, जो कि अपना 3-4 साल आराम से चलेगा, तो गाइस अभी तक तो मांजा मतलब लपेट ही रहे हैं। हाँ गाइस, प्लास्टिक मांजे का ही प्लान है मेरा। अगर मैं आपको बोलूँ तो गाइस इंडिया मांजा लेना, क्योंकि थोड़ा वो भले ही थोड़ा महंगा है प्लास्टिक मांजे से, लेकिन बेस्ट होगा, क्योंकि गाइस अपन को तो थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है, इसीलिए क्या करेगा प्लास्टिक मांजे लेके आने वाले पूरा बंडल। तो गाइस चलिए, काफ़ी पसीना आ रहा है यार, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। चलिए मिलते किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय। इसको तो लपेटना ही पड़ेगा।